रेलवे की जिस परीक्षा को लेकर हाल ही में छात्र नाराज थे, उसको लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या हुआ ऐलान और इससे छात्रों का फायदा क्या होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। जून के महीने में मनेगा नौकरी का जश्न। लोग जानना चाहते हैं, युवा जानना चाहते हैं कि कब तक ये जो दोनों सर्विसेज हैं, इनका रिक्रूटमेंट हो जाएगा, कितने साल अभी और लग सकते हैं। सालों की बात ही नहीं है, तो महीनों की बात है सिर्फ। 1.5 लाख छात्रों को मिलेगा रेलवे में रोजगार। जैसी कमेटी की रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करते हैं, उसके तुरंत बाद में भर्ती का प्रोसेस भी चालू हो जाएगा और कुछ ही महीनों में कंप्लीट करेंगे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव परीक्षा विवाद को लेकर जिस जांच कमेटी की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सूत्रों के मुताबिक उसकी जांच रिपोर्ट 4 मार्च को आ जाएगी और उसके 4 महीने बाद यानी जून में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और लेवल 1 के सफल परीक्षार्थियों की बहाली शुरू हो जाएगी। देखिए, कमेटी का अगर आप नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें 3 हफ्ते रखे गए रिप्रेजेंटेशंस रिसीव करने के लिए। आज करीब करीब 1 लाख से अधिक रिप्रेजेंटेशंस आ चुके हैं। उन सबका इन पैरेलल, समय नष्ट किए बिना, इन पैरेलल उसका इवैल्यूएशन चल रहा है सारे रिप्रेजेंटेशंस का। 3 हफ्ते के बाद में कमेटी को टाइम दिया गया है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपना रिकमेंडेशन दो। उसी टाइम फ्रेम में हम कंप्लीट करेंगे, विश्वास रखिए। भर्तियाँ पूरी हो जाएंगी? नहीं, भर्तियाँ भी मैं कह रहा हूँ कुछ ही महीनों में, तुरंत उसके बाद में भर्तियों का प्रोसेस चालू हो जाएगा, अभी सस्पेंड किया हुआ है। आपको बता दें कि 24 जनवरी को पटना से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और लेवल 1 परीक्षा को स्थगित कर हाई पावर कमेटी के गठन का ऐलान किया था। ये कमेटी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के पहले स्तर की परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 के 14-15 जनवरी को घोषित नतीजों की जांच करेगी और उम्मीदवारों की शिकायतें और सुझाव सुने जाएंगे। जिन परीक्षार्थियों को कोई शिकायत है तो वो इस समिति को 16 फरवरी तक अपनी शिकायतें भेज सकते हैं। रिजल्ट में जो शॉर्टलिस्टिंग का प्रोसेस है, इसको लेकर के आपके मन में कुछ भ्रांतियाँ हैं, तो उसके निराकरण के लिए रेलवे प्रतिबद्ध है। हम काफ़ी संवेदनशील हैं इस मुद्दे को लेकर के और आपकी हर बात को हम बिल्कुल धैर्यपूर्वक सुनेंगे। दरअसल रेलवे ने साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त NTPC के जरिए 35,308 पदों के लिए और ग्रुप डी के लगभग 1,03,000 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाया था। रेलवे के मुताबिक इन पदों के लिए करीब 25 करोड़ छात्रों ने आवेदन किया था। इसमें से NTPC परीक्षा के नतीजों का ऐलान पिछले महीने हो चुका है, लेकिन छात्र इसमें गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं 23 फरवरी 2022 को 2 चरणों में होने वाली ग्रुप डी की परीक्षा की आखिरी तारीख भी आगे बढ़ा दी गई है, क्योंकि छात्र सिर्फ 1 चरण में एग्जाम कराने की मांग पर अड़े हैं।